स्कीम के तहत अभी तक 26 लोगों पर NSA एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। पुलिस की नजर उन पर जो नशीली शीरप गांजे का प्रलोभन देकर युवकों को अपने गैंग में शामिल करके सरगना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत अभी तक 26 लोगों पर NSA के तहत हुई कार्रवाई। पुलिस की नजर उन पर जो नशीली सिरप गांजे का प्रलोभन देकर युवकों को अपने गैंग में शामिल करके सरगना बनने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की माने तो रीवा जिले में इस समय एक नया ट्रेंड आ गया है। कम उम्र के नौजवानों को शातिर बदमाश तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, नशीली सिरप का गांजे का प्रलोभन देकर उनको इसका आदि बना लेते हैं, फिर अपने गैंग में शामिल करके मारपीट करने का प्रयास करते हैं। कई जगह पर अभी जो हाल में ही घटनाएं देखने में नजर आईं, उसमें कुछ इसी तरीके की बात निकलकर सामने आई है। कम उम्र के नौजवानों को नशीली सिरप गांजे का पहले प्रलोभन दिया, उसके बाद जब युवक आदि हो गए तो अपने साथ ले जाके इधर उधर मारपीट की, अपने को गैंग का सरगना बनाने का प्रयास किया। पुलिस की माने तो इस साल अभी तक 26 अपराधियों पर NSA लगाया गया। नवयुवकों को बरगला कर अपने गैंग में शामिल करके अवैध काम करने वाले गैंग के सरगना बनने वालों पर ऑपरेशन क्लीन के तहत रीवा में 26 लोगों के ऊपर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। NSA की कार्रवाई कलेक्टर मनोज पुष्ट एवं पुलिस अधीक्षक नवनीन भसीन द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ का चलाया जा रहा अभियान। पुलिस इस समय ऑपरेशन क्लीन चला रही है। अभियान में इस वर्ष लगभग 26 लोगों के ऊपर NSA की कार्रवाई की गई। अभी कई अपराधी चिन्हित किए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस पहले अपराधियों पर उन धाराओं के तहत कार्रवाई करती है जिन धाराओं के तहत उसके अपराध साबित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बार बार अपराध करते हैं। अब हमारी नजर ऐसे ही अपराधियों पर है, कहना है पुलिस का, जिनके खिलाफ हम ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। नए युवाओं की नशा का प्रलोभन देकर गैंग बनाकर सरगना बनने वालों की तलाश लगातार जारी है। SP द्वारा बताया गया, ऐसे लोग जो जेल से आने के बाद समय रहते नहीं सुधरते, अपराध करते हैं, गैंग का लीडर बनकर सरगना बन बैठे, इन लोगों पर NSA की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी तक हमने पुत्री पुलिस अधीक्षक की माने तो अभी तक हमने 26 लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई की। हम उन्हें चिन्हित कर रहे हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चिन्हित अपराधियों को अब हम छोड़ने वाले नहीं। सुधरने का मौका सबको दिया जाता है, लेकिन जो बार बार अपराध की दुनिया की ओर लड़ते हैं, ऐसे अपराधियों की तलाश लगातार जारी है। जल्द ही सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे न जाएंगे। पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत खास तौर से उन लोगों पर नजर बनाए हुए है जो कम उम्र के नौजवानों को नशीली सिरप गांजे का प्रलोभन देकर पहले उसको उनका आदि बनाते हैं, उसके बाद एक गैंग बनाते हैं, गैंग का सरगना बन जाते हैं और अपराध की दुनिया में ऐसे कम उम्र के नौजवानों को ढकेल देते हैं। रीवा में अभी पकड़े गए गैंग के साथ कुछ ऐसा ही मामला देखने में नजर आया। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी तक हम लोगों ने इस वर्ष 26 लोगों के ऊपर NSA की कार्रवाई की है। ये वे लोग हैं जो ऐसे अपराधी हैं जो लगातार अपराध घटित करते हैं, जेल जाने के पश्चात उनको जो अवसर मिलता है अपने सुधार का, अपने अंदर परिवर्तन लाने का, उसका ये समय का सदुपयोग न करके लगातार पुनः अपराध में लिप्त होते हैं। और ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ नए युवा चेहरे जुड़े, नए बच्चों को भ्रमित भी करते हैं, नशे की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, जिला प्रशासन ने, कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग NSA की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उनको एक सबक मिले कि कानून उनके प्रति कठोर रहेगा और उनको किसी प्रकार की छूट देने की गुंजाइश हम लोग नहीं रखना चाहते। जो हम लोगों ने अभी ऑपरेशन क्लीन चलाया है, इसके तहत हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी जो अपराधी हैं, जो सरगना बनने का प्रयास करना चाहते हैं, मुखिया बनने का प्रयास करना चाहते हैं किसी ग्रुप का, जो आगे आके बच्चों को भ्रमित करके उनका कैरियर खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जरूर हम लोग NSA के तहत प्रस्तुत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 26 NSA कर दिए हैं इस वर्ष में।